सलमान खान और शाहरुख खान को एक फिल्म में देखने की फैंस की ख्वाहिश हो सकती है पूरी। एक फिल्म प्रोड्यूसर ने बताया है कि संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म की स्क्रिप्ट सलमान और शाहरुख को सुनाई थी। सलमान और शाहरुख संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार भी हो गए थे। शाहरुख खान और सलमान खान को इंतजार था सिर्फ इस फिल्म की स्क्रिप्ट के कंप्लीट होने का, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर लग गया ताला। फिल्म दबंग 3 के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स निखिल द्विवेदी ने अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया है कि कुछ समय पहले संजय लीला भंसाली पूरी तरह से तैयार थे शाहरुख और सलमान को एक फिल्म में साइन करने के लिए, लेकिन शुरुआत में संजय लीला भंसाली फिल्म के सेकेंड हाफ की स्क्रिप्ट को लेकर कन्विंस नहीं थे। यही वजह है फिल्म शुरू नहीं हो पाई और फिर हो गया सलमान और संजय लीला भंसाली के बीच इंशाल्लाह डिबैकल और ये फिल्म हो गई शेल्फ। निखिल का कहना है, यस इट ऑलमोस्ट हैपेंड, बोथ शाहरुख खान एंड सलमान खान हैड अग्रीड टू कम टुगेदर, वी वर एक्साइटेड अबाउट इट, बट आई बिलीव मिस्टर भंसाली वाजंट वेरी हैप्पी विद द सेकंड हाफ ऑफ द स्क्रिप्ट एंड वांटेड मोर टाइम टू वर्क ऑन इट। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा अपसेट करने वाली बात ये है कि निखिल द्विवेदी सलमान खान और शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म को लेकर डाउटफुल हो गए हैं। जब उनसे पूछा गया क्या ये फिल्म फ्यूचर में बन सकती है तो उन्होंने कहा, आई हैव माई डाउट्स। साफ है इंशाल्लाह की वजह से सलमान खान और संजय लीला भंसाली के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है और अब शायद ही ये दोबारा साथ में काम करें। ऐसे में सलमान खान और शाहरुख खान को साथ देखने का फैंस का सपना फिलहाल पूरा होते नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Watch E-Town News Monday to Friday at 9:30 PM only on Zoom.